किए गए मुखिया के द्वारा धरना प्रदर्शन का नहीं मिला आज तक कोई लाभ, कैसे होगा ग्राम पंचायत में विकास, पूरी तरह से देखिए खबर दीपक पटेल का आज। यह विजुअल तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, कुछ ही दिन पूर्व यानी सीतामढ़ी जिला के अंदर मुखिया लोग धरना प्रदर्शन किए थे, 19वीं मांग किए थे, पर इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि अब ग्रामीण और मुखिया दोनों आपस में भिड़ंत करने पर तुल चुके हैं। एक तरफ ग्रामीण कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, तो दूसरे तरफ मुखिया जी कह रहे हैं हमारे खाते में किसी प्रकार का कोई योजना का पैसा नहीं आ रहा है, हम तो फंस गए मुखिया बनकर। हमारे मुखिया संघ, जितने भी बिहार में मुखिया संघ है, कोई भी माननीय मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो भी मुखिया का अधिकार है उसके साथ हनन किया गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट है जो मतलब दबंगता द्वारा DPRO द्वारा जो है जबरदस्ती 6 महीना पहले हम लोग से साइन करा लिया गया है प्रशासनिक पर, और सोलर स्ट्रीट लाइट छीन लिया गया है। अब सुनते हैं कि टेंडर वर्क भी किया जा रहा है, मुखिया लोगों का जो योजना था उसको टेंडर किया जा रहा है। क्या इसमें संतुष्ट हैं आप, अगर ऐसा हो जाता है जो टेंडर आपको मिलना चाहिए? ग्राम सभा से हम लोग पूरे ग्राम का एक एक व्यक्ति, हर वार्ड सदस्य एकजुट होकर के ग्राम सभा से कोई योजना को पारित करते थे कि ग्राम सभा में सबसे जरूरी योजना कौन है। टेंडर इस चीज़ को कभी भी नहीं समझ सकती है कि टेंडर में सबसे जरूरी योजना कौन है, लेकिन ग्राम सभा से हम लोग पारित करके जो सबसे मेन समस्या पंचायत का होता था, जो सबसे जरूरत योजना होता था, उस योजना को हम लोग पारित करते थे और उस योजना से जनता को लाभ पहुंचाते थे। लेकिन अब ये सब तो संभव नहीं है, जब टेंडर हो जाएगा तो ये समस्या तो उत्पन्न होगी, और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को वोटिंग समस्या है, आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, इसमें कहीं दो मत की बात। हम लोग सुनते हैं कि आप इंदिरा आवास नहीं दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन नहीं, अभी कबीर अंतोष्टि क्यों बनती है, क्या है कबीर अंतोष्टि नहीं आप दे रहे हैं?